नॉर्थ ईस्ट में जीत पर मोदी के मन की बात, बोले कुछ कट्टर कहते हैं मर जा मोदी, जनता कह रही मत जा मोदी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गुरुवार रात पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे और अपनी स्पीच में विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा हमारी जीत से घबराए कुछ कट्टर विरोधी कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन मेरे देशवासी कहते हैं मत जा मोदी। पीएम ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से यह भी पूछा, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद टीवी पर ईवीएम को गाली पड़नी शुरू हुई या नहीं। उन्होंने कहा हम एक नई दिशा पर चल पड़े, नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, यह दिलों की दूरियां समाप्त होने का ही नहीं बल्कि नई सोच का प्रतीक है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना दिल्ली से दूर है और ना दिल से दूर है, यह इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और विकास का समय देख रहा हूं। उस दिन पहले जब मैं वहां गया तो किसी ने कहा कि मोदी जी आपको अपनी हाफ सेंचुरी के लिए बहुत बहुत बधाई। मैंने पूछा कि कैसी हाफ सेंचुरी, तब उन्होंने बताया कि आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से 50 बार से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट की विजिट कर चुके हैं। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवा कर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का आभार व्यक्त किया, बोले ये नॉर्थ ईस्ट की देशभक्ति का सम्मान है, अन्य राज्यों में काम करना उतना कठिन नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है, इसलिए वहां के कार्यकर्ता विशेष अभिनंदन के हकदार हैं। केंद्र की राजनीति में नॉर्थ ईस्ट को महत्व मिलता है तो हमारे कुछ विशेष शुभचिंतकों के पेट में दर्द होता है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।